बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। वेलकम टू इंडियन गर्ल इन यूरोप। मेरा नाम सुरभि है और आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। नमस्ते। आज मैं आपसे ये बात करूँगी कि अगर आप जर्मनी में यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत बार आपको बहुत निराशा होगी, आपको लगेगा शायद ये वर्स्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का, या फिर आपको ऐसा लगेगा लोनलीनेस फील होगा, स्ट्रगलिंग चीज़ें लगेगी, बहुत बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये लगेगा वेदर इट्स वर्थ इट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इट इज़ वर्थ इट या नहीं है, तो उसके भी सारे एग्जांपल्स बताऊंगी, बट स्टिल आप कैसे यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, अर्न कैसे कर सकते हैं और ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो तीन चीज़ें हैं अगर आप करोगे तो यू विल लिव अ वेरी हैप्पी स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एंड दैट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल एज ए स्टूडेंट और बाद में जब आप जॉब करोगे एज ए प्रोफेशनल लाइफ में तो एज ए प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। वीडियो में कुछ भी चीज़ स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। वेल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर लो। वेल, लाइक जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मौसम जो है वो चेंज हो गया है, मौसम आई मीन्स वेदर जो है वो चेंज हो गया है और पत्ते जो है वो सारे कलरफुल हो गए हैं, दैट मीन्स ऑटम इज हियर। जैसे आपको नेचर ही चीज़ें बताता है कि हर टाइम जो है वो चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एंड दोस चेंजेस आर रियली ब्यूटीफुल। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ क्योंकि अभी तो सब कुछ कलरफुल लग रहा है, कुछ ही महीने में यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ग्रीनरी नहीं दिखेगी, सारे पेड़ जो है वो खाली हो जाएंगे एंड मे बी आपको डिप्रेशन फील हो। सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मोटिवेट करूँगी ताकि आप अच्छा पैसा भी कमा पाएँ, अच्छे से घूम भी पाएँ, अपना स्कोर भी अच्छे से कर पाएँ। तो स्कोर गुड, अर्न गुड एंड ट्रैवल गुड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और द फंडा ऑफ दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्न मोर। अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई नंबर्स होंगे कि मुझे इतना अर्न करना है ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मैं इस बात पर एग्री करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के पास या सारी फैमिलीज़ जो होती हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक्सपेंसेस भी अच्छे से मैनेज कर सके। बट यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस करना पड़ेगा कि आप अच्छा कमा भी पाओ और साथ साथ जो है वो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी इंजॉय कर पाओ और स्कोर भी अच्छा कर पाओ। तो उसके लिए अगर आप 20 आवर्स पर वीक करते हैं, वो कि एज ए स्टूडेंट्स इस सेमेस्टर के टाइम पर अलाउड होता है, जिसमें आपको मिनिमम पे जो है वो मिलती है, मिनिमम वेज आप चेक कर सकते हो जो भी बढ़ने वाली है। तो अभी मिनिमम वेज जो है वो इतनी है, जस्ट चेक इट, तो वो बढ़ने वाली है। बट आप इतना जो है वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं पे करना होता। एक और बात, जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स ज़्यादा होती रहती है, लाइक ये तो हो गया टैक्स फ्री अमाउंट जो 20 आवर्स पर वीक का होता है, उसके बाद जो भी होता है, जो मिनिमम वेज होती है उसके ऊपर से आपको टैक्स पे करना होता है। दैट मीन्स आप जितना ज़्यादा कमाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इज़ इट वर्थ इट कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाओ और फिर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करो। जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 सेकेंड कि आप खुद भी टैक्स कैलकुलेटर, मैं आपको लिंक दे दूँगी, उसमें चेक कर सकते हैं, बट इट इज़ वर्थ इट। तो बेटर जितना आपको अलाउड है या मिनिमम वेज जितना है आप उतना कमा सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा भी कमा सकते हो जो कि एटलीस्ट टैक्स फ्री हो या कम से कम टैक्स हो। मैनेज योर एक्सपेंसेस, मैनेज योर फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो कि यहाँ पर आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं और आप उसमें से कहाँ पर जो है वो कमी कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पर अच्छे खासा रह सकते हो। अच्छा खासा रहने का ये मतलब है कि आप ट्रैवल भी यहाँ पर कर सकते हो और स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारी पार्टीज़ कर सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी आप मिस ना करो। उसके लिए आप कैसे बेहतर बना सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपने ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर जो है वो चूज़ कर लिया है और फिनटिवा जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर है, अगर आपने कर लिया है तो यू माइट थिंकिंग कि आपको आपका पैसा कैसा मिलेगा, तो आपके पे आउट्स आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आप कर सकते हो फॉलो और उसके थ्रू आप कर सकते हो। यू कैन रीड ऑल्सो दिस आर्टिकल जो उनकी ऐप और वेबसाइट पे भी है। अदर देन दैट मैं भी आपको क्विक स्टेप्स में बता देती हूँ। आप अपना अपलोड कर सकते हो वीज़ा अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको कुछ थोड़ी सी प्रोसेस होती है, वो चेक करना है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना है,
उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि जो सिटूर बैंक के अंदर आपका अकाउंट होगा वो रेगुलर अकाउंट नहीं होगा, जिससे ना कि आप पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, ना कि आप किसी को भेज सकते हो, मतलब आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस आपको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड उसकी भी क्या प्रोसेस है वो आप इस आर्टिकल में जो है वो देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी हाउ यू एग्जैक्टली डू दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर कनेक्ट नहीं किया है तो वो कनेक्ट कर लो, और देन फिंटिया विल टेक केयर कि आपके पैसे जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, जो आपने एक्सपेंसेस के लिए ब्लॉग करवा रखे हैं। तो दैट्स अ वन थिंग। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या अपकमिंग स्टूडेंट हो तो फिंटी पर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर है ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। उसके लिए आप मेरी लिंक यूज कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब दूसरी बात, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलेगी या हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी हैं? तो अगर आप बड़ी सिटी में आ रहे हैं तो जितनी भी ये डिलीवरी ऐप सर्विसेज होती हैं, जैसे फ्लिंक हो गया और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको नाम भेज दूंगी, एक मैंने रील बनाया था, ऊबर ईट्स हो गया, इन सब में जो है वो हाई पे करते हैं अराउंड 18-20 यूरोस पर आर, जो कि बहुत ज़्यादा है देन मिनिमम जो पर आर का वेज है। तो आप वो कर सकते हो, ऑफकोर्स थोड़ा सा टायरिंग होगा, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट तो आप थोड़ा सा अर्न कर सकते हैं, प्लस टिप भी मिलती है उन जॉब्स में, तो आप टिप भी कमा सकते हैं। अदर देन दैट, आपको एज ए वर्किंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में काम करना है तो उसके पार्ट टाइम जॉब्स के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके ही स्किल्स में पार्ट टाइम जॉब करनी है, लाइक आई प्रेफर टू डू दैट, तो उसके लिए आप स्टेपस्टोन, लिंक्डइन, जिंक, अगर आपको जर्मन आती है तो इन सब प्लेटफॉर्म्स में जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लोग जो है वो रिप्लाई करेंगे अगर आप किसी भी रिक्रूटर को अप्रोच करोगे तो। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस इंटर्नशिप्स में भी यहाँ पर अच्छा खासा पे मिलता है, तो टैक्स के साथ मान लो 1600-1900 यूरोज मिलता है, फिर टैक्स उसमें कट होते हैं इंटर्नशिप्स के टाइम पे, तो वो भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं और उसमें भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। वेल, यू कैन चूज़ योर, जो भी आपकी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ये इंटर्नशिप्स। पर वो बात की बात हो गई, पहले तो जैसे ही आप आओगे आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेगी, जिसके काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका टाइम है और जो आपका टैक्स है, उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है जो भी आप ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं उसके लिए। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वेल, एक और चीज़, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी में। डार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, और भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स को, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपके एक्सपेंसेस या फिर जो भी उस स्कॉलरशिप में होगा वो ऑलरेडी आपका कवर होगा। तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करो, जस्ट सी दैट कि उस स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, और जस्ट ट्राई टू अप्लाई दैट। यू नेवर नो कि आपको वो स्कॉलरशिप्स जो है वो मिल सकती हैं। यहाँ पर और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेकेंड है, वो है स्कोरिंग गुड ग्रेड्स। स्कोरिंग गुड ग्रेड्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए, एंड यू शुड नो कि आपको स्कोर अच्छा करने के लिए भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वेल, बहुत सारी स्टडी गाइडलाइंस होती हैं, बट आपको जो लाइब्रेरी एक्सेस है आपकी यूनिवर्सिटी में वो करो। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मूडल हुआ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जैसे ग्रामरली हो गया, ज़ोट्रो हो गया, और अब तो चैट जीपीटी भी हो गया, जो कि आप यूज़ करके बहुत अच्छे से अपनी स्टडी प्रोग्राम जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पर हर चीज़ जो है वो थोड़ी टफ होती है, तो इट माइट बी स्ट्रगल एट द इनिशियल स्टेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, बट दैट डजंट मीन कि जब तक आप एंड करोगे आपका एक्सपीरियंस सेम ही होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे जो है वो सीखते जाओगे कि हाउ टू डू इट। सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे, और वो इम्पॉर्टेंट है जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू बहुत है। तो आपको गूगल कैलेंडर या कोई कैलेंडर यूज़ करना होगा,
आपको इम्पॉर्टेंट जो भी इवेंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी इंटरव्यूज होंगे, इम्पॉर्टेंट आपका जो भी क्लासेस होगी, वो सब कुछ जो है वो आपको वहाँ पर होना चाहिए। प्लस आपको अपना ट्रैवल जो है वो भी पहले से प्लान करना होगा। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो कितने घंटे की है, कब कर रहे हैं, आपका स्टडी इम्पैक्ट ना हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेल, ये तो सब चीज़ें इंडियंस करते ही हैं, बट मे बी जर्मन्स नहीं करते होंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो, फ्रेंड्स बनाओ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या आपका कोई भी ग्रुप बनाओ जहाँ पर आप अपने स्टडी मटेरियल एक्सचेंज कर पाओ, आपके जो भी स्टडी टिप्स हैं वो एक्सचेंज कर पाओ, और अच्छे क्लासमेट्स के साथ एक स्टडी ग्रुप बनाओ जिससे आप उनसे चीज़ें जो है वो सीख सको और ऑफ कोर्स डिस्कस कर सको। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल हियर। ऑफ्टन आई हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि इतना इजी नहीं होता यहाँ पर अपनी स्टडीज करना, प्लस जो है डिग्री लेना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप्स बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, आपके जब असाइनमेंट्स हो तो आप पूरे फुली पार्टिसिपेट कर सको वहाँ पर, और अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कोरिंग गुड ग्रेड्स। उसके अलावा आपको फिनटीबा में भी, अगर आप एज ए फिनटीबा में भी देखोगे तो उनका स्टडी गाइडलाइंस है, फ्रेंड्स कम्युनिटी एक्सेस है, तो वहाँ पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो सेम आपके ही डाउट्स होंगे, सेम आपकी ही चीज़ें होंगी, तो दे माइट हेल्प यू। वेल, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रोफेसर से पूछना जो है वो वेस्टेज है, बट यहाँ पर ऐसा मत करना। अच्छे ग्रेड्स के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जस्ट कम्युनिकेट विथ योर प्रोफेसर और उनसे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करो। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, पर इंडिया वाला फंडा जो है वो फॉलो मत करना यहाँ पर। वेल, आई एम श्योर यू माइट बी वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वो है ट्रैवल गुड। तो ट्रैवल गुड करने के लिए ऑफकोर्स आप एज ए स्टूडेंट ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करो और अच्छे से ट्रैवल कर सको, उसके क्या टिप्स हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलता है। तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यू गेट अ स्टूडेंट डिस्काउंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे म्यूजियम फ्री होता है, जो आपका ड्वाइच बान, जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर भी काफ़ी कम पैसों में, कम पैसों में आपको टिकट्स मिल जाते हैं या वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्लिक्स बस जो है वो यूज़ करो। ऐसे बहुत सारे टूर और ट्रैवल्स कंपनीज हैं जो काफ़ी कम में स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रिप करवाती हैं, वो यूज़ करो। अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं या लॉन्ग ट्रैवल चूज़ कर रहे हैं तो रियान एयरवेज है, वो चूज़ कर सकते हैं आप, और जो स्टूडेंट ट्रैवल वेबसाइट्स है वो, तो ड्वाइच बान से आप जो भी डिस्काउंट्स हैं वो ले सकते हैं, फ्लिक्स बस जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रैवल के टाइम पर, एंड रियान एयरवेज जो है प्लस स्टूडेंट वेबसाइट्स है, ट्रैवल वेबसाइट्स है, वो सारी यूज़ कर सकते हैं। वेल, इफ़ यू वॉन्ट टू नो रिकमेंडेशंस ऑफ स्टूडेंट्स वेबसाइट, या यहाँ पर और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको दिन में जाके रात में लेके आती हैं, या 2 से 3 दिन जो है वो ट्रैवल कराती हैं, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, और आप वो सारी जगह देख सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। वेल, आपको सेमेस्टर टिकट भी मिलेगा, तो यूटिलाइज करो अपना सेमेस्टर टिकट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना सेमेस्टर टिकट यूटिलाइज कर सकते हैं लोकल ट्रैवल के टाइम पर, और आप डिस्कस कर सकते हैं या अपने किसी से पूछ सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं कि कैसे उसे यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमम उसका कैसे यूज कर सके, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन जर्मन में होती है तो यू माइट बी लाइक कंफ्यूजिंग स्टेट पे आ सकता है। तो अभी का डॉयचलैंड टिकट जो है वो 49 यूरोज का है, जिसमें आप सारी रीजनल बान, एस बान, ओ बान सब यूज कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा छोटे में बता देती हूँ, अदर देन जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उसके अलावा आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो सिर्फ 49 यूरोज पर मंथ में। तो आप वो ले सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। वेल, बजट ट्रैवल हैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखो, जैसे ब्ला ब्ला कार्स हैं यहाँ पर, जो जैसे जिनकी खुद की कार होती है वो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको कहीं पर छोड़ दें एक जगह से पिक करके दूसरी जगह, तो यूज़ दैट, जिसकी ऐप भी है और वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप भी सिमिलर टाइम पर जा रहे हो तो यू कैन यूज़ दैट, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल और बहुत अच्छा। देन आपको होटल्स में रुकने की ज़रूरत नहीं है, एयरबीएनबी में रुकने की
ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट ही रहो, तो आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स रहना प्रेफर करते हैं, तो आप उस तरीके के होटल्स के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। वो आपकी जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्गर ट्रिप्स पर जा रहे हो, जैसे आप जर्मनी में हो, आप बार्सिलोना जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो या मे बी नॉर्वे जा रहे हो, तो उसके लिए आप रियान एयरवेज जो है वो यूज़ कर सकते हो। वो भी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक के लिए रन करता है। 15 से 20-25 यूरो तक का टिकट मिल जाता है अगर आप पहले से करते हो। एंड ऑल्सो द अदर ऑप्शन इज़ ईजी जेट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये दोनों एयरवेज को अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए आपका कितना बैग लेके जाना है, क्या ले जा सकते हो क्या नहीं ले जा सकते हो। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। और हाँ, जैसा मैंने आपको बोला ये जर्मनी है, तो आपको हर चीज़ पहले से प्लान करनी पड़ेगी। इवन अपने टिकट्स कराने से लेकर अपना जो भी आप काम कर रहे हो से लेकर एवरीथिंग, तो वो भी पहले से पहले प्लान कर लो। वेल, इन थ्योरी शायद बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आपको स्टडी, ट्रैवल एंड अपना जो वहाँ का लाइफ है वो सब कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। बट इट्स फन। एट द लास्ट आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीखोगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया, हर जगह आपको स्ट्रगल लगेगा इनिशियली, एंड एट द एंड आपको लगेगा इट्स वर्थ इट, जो भी मैंने ट्राई किया या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे या हैं या हो रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी लाइक दैट। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 मंत्रा मेरे जो है वो चूज़ करो कि आप उससे कैसे स्टडी अच्छा कर सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अर्न अच्छा कर सकते हैं, ट्रैवल अच्छा कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो। वेल, एंड करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेन मोटिव आपका ये है कि आपको डिग्री मिले ताकि आप यहाँ पर जो है वो काम स्टार्ट कर सको, जॉब कर सको और अच्छा अर्न कर सको। तो इन द होल जर्नी आप ये मत भूलो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। You must enjoy, you must do all the things जो students करते हैं, but you should not forget जो आपका main vision है या main motive है, वो साथ में लेके आप जो है वो सब कुछ कर सकते हो। Well, you have so much time, you have so much energy, so you can do so much things. Well, this is it for this video. Hope you enjoyed watching me. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक comment छोड़ देना, as a student यहाँ आने वाले हो तो भी comment कर देना, और ये मेरे मंत्र आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना कि how it is, whether you want to listen more such things जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो। और अगर अभी तक आपने चूज़ नहीं किया है अपना ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर, तो फिनटीवा से चूज़ कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी उसकी लिंक, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी कि आप कैसे पे आउट जो है वो कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी आ रहे हो। वेल, हम लोग भी जो है वो म्यूनिक में रहते हैं, तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। Bye-bye for now. Hope you enjoyed it. Bye.